हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। सुबह के 5 बजे से उठी हुई हूँ, काम चल रहा है, काम किए जा रही हूँ क्योंकि आज से क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। स्कूल तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है, तो मीटिंग वगैरह था जो भी था, लेकिन आज से क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। तो सुबह फर्स्ट पीरियड था तो मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि फटाफट काम खत्म करके मुझे क्लास स्टार्ट करना था। अभी भी एक क्लास बाकी है तो उससे पहले मैं सोची एटलीस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हस्बैंड का भी मीटिंग है 12 बजे से और मेरा भी क्लास स्टार्ट है, तो उन्हें मैं खाना दे देती हूँ, वो जल्दी से खा लेंगे और अभी मैं क्लास के लिए जाऊंगी। तो चलिए जल्दी से उनका मैं खाना परोस लेती हूँ। गाइस जल्दी से अब क्लास के लिए बैठ रही हूँ। गाइस हो गया है मेरा क्लास खत्म और एक्चुअली ये बेड में आज मुझे लेना पड़ा। सामने हॉल में मीटिंग ले रहे हैं हस्बैंड और साथ ही साथ बच्चे को भी थोड़ा संभाल कर रखना हो रहा है, उसे एंगेज किए हम दूसरे एक्टिविटीज में, पर फिर भी थोड़ा तो ध्यान देना ही होता है। और वहां मैं बैठ नहीं सकती, वो डिस्टर्ब करेगा। अब बच्चा है उसका तो ऑब्वियस है, उसको आना ही है मम्मी पापा के पास, तो पूरा बैक एक हो रहा है। ये बेड में बैठ के क्लास लेना बहुत मुश्किल था आज, और वैसे भी फर्स्ट डे है ना, काफी दिनों बाद क्लास लिया, पूरे 1 मंथ 15 डेज, ऑलमोस्ट 1 मंथ 10-15 डेज बाद ऑलमोस्ट मैंने क्लास लिया, 10 डेज आई गेस। तो थोड़ी तकलीफ तो हुई, धीरे धीरे यूज टू हो जाऊंगी फिर से। और अभी मैं सारी चीजें समेट लूंगी उसके बाद। हाँ, और एक अच्छी बात आपसे शेयर करनी थी, मैंने एक लैपटॉप लिया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, बहुत मस्त लैपटॉप है। और बहुत मस्त मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से है वो लैपटॉप। बिल्कुल टच स्क्रीन है उसका और पेन भी है उसके साथ। पेन मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया फिलहाल, मुझे नहीं चाहिए बोल के। और साथ ही साथ एडिटिंग के लिए भी यूज अच्छा है उसका, स्टोरेज काफी अच्छा है। और उसके अलावा भी मैंने एक हार्ड डिस्क भी लिया है उसके साथ ताकि मेरा जो भी वीडियोस है मैं वहां सेव करके रख पाऊं अपने फ्यूचर यूज के लिए, कभी जरूरत पड़ गई अचानक से, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने उसे लिया है। छोटा 14 इंच का आई गेस स्क्रीन है, मुझे ठीक से याद नहीं। एक्चुअली हस्बैंड ने रिसर्च करके ऑर्डर किया है, अच्छे से छानबीन किया उसके बाद ऑर्डर किया, तो आएगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और अमेजन से भी मैंने कुछ कुछ छोटा मोटा चीज ऑर्डर किया है जो जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। काफी चीज ऑर्डर किया है, घरेलू चीजें ही हैं पर ऑर्डर किया है मैंने, वो मैं आपसे शेयर करूंगी जैसे ही आएगा। और तो चलिए अभी ये सब समेट कर मैं आपको अपना लंच दिखाऊंगी। हस्बैंड को लंच दिया मैंने तब मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई, मैं जब अभी लंच करूंगी मैं आपसे अच्छे से अपना लंच शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है लंच में। With your boy.
गाइज मैं आपको खाना दिखाने से पहले और एक चीज दिखाना चाहती हूँ। पूरी शहनाई शादी की बज रही है हमारे घर के बाजू में। हमेशा हमेशा ये बजते ही रहता है, 12 महीने का है शायद। आपको आवाज आ रहा होगा, दिखाती हूँ आपको मैं। गाइस ये दिन रात का है, उनका गाना बजना दिन भर चलते ही रहता है। क्या लेते हैं पता है? थर्मोकोल के बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं, लोहा प्लास्टिक सब लेते हैं और उसमें धन धनाधन बजाते ही जाते हैं। और ना इतना ज्यादा उनको तो मजा आता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। पता है क्लास लेते वक्त इतनी तेज आवाज होती है कि क्लास लेते वक्त मतलब विंडो डोर सब क्लोज है, उसके अंदर से भी आवाज आने लगती है। क्या कर सकते हैं हम, बच्चे भी क्या करेंगे, यही सोच के हम कुछ बोलते नहीं है। और वो अपने घर में कर रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं सकते, उनकी भी खुशी है यही। तो चलिए अब लंच दिखाती हूँ फाइनली। गाइस ये मैंने बनाया था दाल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बीन्स की सब्जी, ये है बीन्स, ये है चिकन और ये है कुमड़ो भाते। पम्पकिन को स्टीम किए हैं, बंगालीज को तो पता ही है, बाकियों के लिए मैं बोल रही हूँ। नमक और हरी मिर्च के साथ, सरसों के तेल के साथ इसे खाते हैं। और ये मैंने सेपरेट ले लिया इससे खाने के लिए, और ये तो अलग से ही खाना है। तो चलिए जल्दी से अब मैं खाना खा लेती हूँ। दाल मैं मोस्टली नहीं लेती हूँ, ये मैं हरी मिर्च के साथ इसे खा रही हूँ। और दाल मोस्टली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता एक्चुअली, बहुत सारा आइटम होना तो मजा नहीं आता है खाने में। और ये कुछ स्टीम वाला कुमड़ो शिद्दो या पोटैटो फ्राई ये सब रहने से तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है दाल। ऑलरेडी बहुत सारे दूसरी डिशेस भी हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिया। गाइस देखिए हमारे घर दो फ्लाइट लैंड किया है अभी अभी, एक इंडिगो है और एक शायद एयर एशिया है। गाइस मेरा खाना हो गया है, अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद क्योंकि सुबह के 5 बजे से उठी हुई हूँ। और सुबह के 5 बजे उठना है इस टेंशन से, मैं रात के 3 बजे से उठी हुई हूँ और मैं सोई थी 1 बजे। तो आप सोच लीजिए मैं 2 ही घंटे सोई हूँ कल रात को, तो अभी मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। मैं जाकर सो रही हूँ, मैं शाम को आपसे मिलती हूँ 1 कप चाय के साथ। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड इवनिंग गाइज। अभी एक अच्छी नींद के बाद मैं उठ चुकी हूँ, और अच्छी नींद मतलब कुछ ज्यादा ही मैं सो गई। 2 बजे से 6 बजे तक मैं सो गई, एक्चुअली बहुत ज्यादा नींद थी, मैंने आपको पहले ही कहा, तो मजा आ गया सोकर। अभी मैं आपसे बोली थी मैं आपसे चाय पे मिलूंगी, और चाय पे मिल रही हूँ तो आपसे मुझे एक बहुत स्पेशल चीज आज शेयर करना है। वैसे एक बिस्किट का नाम शेयर करना है, वैसे तो बिस्किट सब खाते हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है, लेकिन पहली बार हमने एक बिस्किट ट्राई किया है, उसे हम फर्स्ट टाइम लाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बिस्किट है एक्चुअली। नॉर्मल बिस्किट जैसे डार्क फैंटेसी वगैरह है ना, वो थोड़ा फैंसी ही है और बहुत कॉस्टली भी है, वैसी बिस्किट नहीं है ये, लेकिन बजट फ्रेंडली बिस्किट है, लेकिन बहुत टेस्टी है। कुछ कॉम्बो पैक था, कंपनी का नाम है यूनिबिक्स, याद रखिए कंपनी का नाम है यूनिबिक्स, और हमने कॉम्बो पैक लिया था तो 6-7 वैरायटी मिलके एक पैकेट था, तो बहुत ही यमी बिस्किट था। अभी तो खत्म होने लगा है, कुछ वैरायटीज अभी भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही यमी लगता है खाने, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, आप चाहे तो उसे मंगा सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ यूनिबिक्स, एक बार दिखा देती हूँ आपको मैं कैसी बिस्किट्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वैरायटी है, ये एक वैरायटी है, ये अलग है, ये फिर बटर वाली है कुछ, और ये दोनों सेम है वैसे। तो ऐसी 6 वैरायटी की थी, तो मैंने बहुत सारी वैरायटी तो खत्म कर दी, अभी फिलहाल इतनी वैरायटी ही है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी और स्पेशली अच्छा। अगर आपको कॉम्बो पैक नहीं चाहिए, हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अगर आपको कॉम्बो नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बस बटर वाली मंगवा के देखिए, यूनिबिक्स की बटर वाली, बटर कुकीज बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी।
बहुत ही ज्यादा यम्मी है, बजट फ्रेंडली बिस्किट है लेकिन यम्मी है, एक बार ऑर्डर करके जरूर देखिएगा। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा लेंथी नहीं तो वीडियो। फिर मैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।